हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर वीडियो ऑफ डेली करंट अफेयर्स। दिस इज़ अजय पांडे और आज मैं आप सभी के सामने 9 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। और अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल या जॉब अपडेट कुछ भी चाहिए तो आप अपना नाम हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारी ऐप बीबोर्ड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और हमारी पहली खबर है कि आयुष्मान भारत कॉल सेंटर इनॉग्रेटेड इन बैंगलोर, या बैंगलोर में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो जी हाँ, आयुष्मान भारत स्कीम या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण द्वारा बेंगलोर में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया और ये कॉल सेंटर 25 अगस्त से ऑपरेशनल है। गाइस, आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसका मेन एम है इंडिया की एटलीस्ट 40% पॉपुलेशन को या 10 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। और इस स्कीम को पूरे देश में 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। और कॉल सेंटर जिसे लॉन्च किया गया है ये मेडी असिस्टेंट के सहयोग से 2400 घंटे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अभी स्टार्टिंग में ये इंग्लिश और हिंदी में फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और बाद में ये 9 क्षेत्रीय या रीजनल भाषा को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अवर नेक्स्ट न्यूज इज HRD मिनिस्टर इनॉग्रेट 4th World Summit ऑन एक्रीडिएशन या वोजा 2018। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन या NBA द्वारा आयोजित एक्रीडिएशन या शिक्षा मान्यता पर 4th विश्व शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया। और गाइज, इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव है कि देश में ऐसे कई संस्थान हैं जिनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनको मान्यता प्रदान करना और शिक्षा मान्यता के जो क्राइटेरिया हैं या जो रूल्स हैं उनको और अच्छा बनाना। और जावेदकर जी ने ये भी कहा है कि रैंकिंग और रेटिंग से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि एक्सिस बैंक अपॉइंट्स अमिताभ चौधरी एज MD एंड CEO, या एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को मैनेजिंग डायरेक्टर और एज अ CEO अपॉइंट किया है। और अभी एट प्रेजेंट अमिताभ जी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के MD और CEO हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 से मिस शिखा शर्मा, जो कि एट प्रेजेंट एक्सिस बैंक की CEO हैं, उनके बाद एज अ न्यू MD और CEO का अपना प्रभार संभालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। RBI ट्विक्स नॉर्म्स फॉर नोट चेंज, या RBI ने नोट परिवर्तन के मानदंडों को बदला है। गाइस, RBI ने कटे फटे नोटों को बदलने के जो नियम थे उनमें बदलाव किया है, और जो कि RBI रिफंड रूल्स 2009 में एज अ अमेंडमेंट ऐड किया जाएगा, और जिसके तहत लोग देश की किसी भी RBI के ऑफिसेस या डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच से कटे फटे नोट्स को पूरी या आधी कीमत में बदल सकते हैं। तो दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो कल हम फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।